नमस्कार। तो आज लोकसभा के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो कि सही में आपको भी चौंका देगा। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, लोकसभा में चारों तरफ कोहरा कोहरा दिख रहा है। एक्चुअली में होता ऐसा है, लोकसभा में सभा चल रही होती है, अचानक से दो व्यक्ति, एक व्यक्ति और एक औरत लोकसभा के अंदर घुसते हैं। घुसते ही सार वे घुसपैठ सी मचा देते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। अचानक से जब वे बेंच पे से भागते हैं तो वहां पर मौजूद जितने भी सदस्य होते हैं वे सब उनको पकड़ने में लग जाते हैं। अचानक से उस व्यक्ति का जूता निकलता है, जूते में से फिर वहां पे बैठे हुए जो सदस्य होते हैं वे बताते हैं कि जूते में से धुआं निकलने लगा। और ठीक आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था जिसमें हमारे कई वीर जवान शहीद भी हुए थे। जिसके बाद भाई जब ये व्यक्ति बाहर गए, जब इस व्यक्ति को पुलिस लेकर जा रही थी, तब मशहूर पत्रकार है अजय झा, उन्होंने एक वीडियो शेयर करा जिसमें ये औरत बताती है, मेरा नाम नीलम है, भारत सरकार जो हम पर अत्याचार कर रही है, लाठी डंडे चला रही है, अंदर डाला जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, हमारे पास और कोई माध्यम नहीं बचा, हम स्टूडेंट हैं, हमारा किसी संगठन से संबंध नहीं है, तानाशाही बंद करो, प्रदर्शनकारी नीलम। तभी से औरत से पूछा जाता है, क्या तुम आतंकी संगठन से हो किसी? तो ये मना कर देती है, मैं कुछ नहीं हूँ, हम सिर्फ एक स्टूडेंट है, हमारा परिवार बड़ी मुश्किल से चलता है, हमें बेरोजगारी है। इस तरह की इस वीडियो के दौरान इस औरत ने बताया है और कहती है कि हम स्टूडेंट है, हमारा किसी आतंकी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। खैर वो तो पुलिस की जाँच पड़ताल के बाद प्रशासन को और पुलिस को सबको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में बात क्या थी। अगर ये सही बोल रही है, सही में स्टूडेंट है और प्रदर्शन करने का यह तरीका रखता है तो ये बहुत गलत साबित होगा। इस तरीके से प्रदर्शन करना बहुत गलत है। और इस बीच भाई कांग्रेस के नेता सुप्रिया सिनेट लिखते हैं, डरो मत, कहते ही नहीं करके भी दिखाते हैं। और आप इस इमेज में देख सकते हैं, जब संसद में अफरा तफरी फैली थी, जननायक सीना तानकर खड़े थे और वहां पर आप राहुल गांधी को देख सकते हो, उनका इमेज एक अलग से ही दिखाया गया है कि राहुल गांधी जी जोते हुए सीना तानकर खड़े थे। खैर ये अलग बात है, अगर प्रदर्शन करने का स्टूडेंट का यह तरीका है तो फिर से बता दो मैं, बहुत गलत तरीका है। और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।